today I'm starting with the next session of surfaces and volumes. So my first question is, here is a cuboid. Please listen it carefully. Cuboid. Whose area of three adjacent faces, देखिए क्या है, one face is this, और इस face का बचे area है x, yellow face का area है x. Now I come to the next one. Area of this green face. Is known as y. And area of this blue face, sorry, is z. Now we want to prove with the help of all these formulas, v square is equal to x, y, and z. This we want to prove, where v is the volume of the cube. Now how we will solve this question? चलिए, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, बट लेट अस स्टार्ट हाउ वी विल गेट इट. सपोज दैट द जेन्युइन लेंथ ऑफ दिस एल, दिस बी एंड दिस, सॉरी, दिस इज एच. नाउ इफ यू चेक इट, बच्चे एक बड़ी सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ द येलो पोर्शन इज एक्स, एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन टू ब्रेथ, एरिया ऑफ येलो पोर्शन कैन बी रिटन एज एल एच. Now, area of the green face is equal to y, and according to our format, it can be written as b into h. Okay, so b into h. Next, aa jaiye bache. Next, jo aapke paas area of green portion, ब्लू पोर्शन है जेड, दैट एल इंटू पी. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और यू कैन से एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर. बच्चे हमने लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया. गॉट माई पॉइंट? और अब आप जानते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता था बच्चे? सर, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर एक्स वाई एंड जेड. पहले बताइए, गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर. यस सर. तो हमने बच्चे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आज क्या करने हैं, डिस्कस करने. वी विल श्योरली डिस्कस द प्रॉब्लम इन योर बुक, जो भी है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और ये कुछ नए क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं. नाउ कम ऑन टू द सेकेंड फेज. ठीक, इसी में बच्चे अब हम आ रहे हैं इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन. तो माई सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस. नाउ check it. बिल्कुल, we can prove like the same information. जो भी आपने की उसी information को हम define करेंगे. But what I am doing here, just check my point.
it is given to me that the length of this cuboid is A, the breadth of this cuboid is B, and the height of this cuboid is C. ये उसकी क्या है? क्यूबॉइड की डिमेंशंस है. नाउ इफ सरफेस एरिया इज एस एंड वॉल्यूम इज वी, इसका सरफेस एरिया क्या है? एस है और वॉल्यूम क्या है? वी. वी विल प्रूव दैट वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू अपॉन एस, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी एंड वन अपॉन सी. ये हमने बच्चे इसमें क्या करना है? प्रूव करना है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया इन दिस क्वेश्चन. एंड वी वांट टू प्रूव दैट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. वेरी गुड. तो बच्चे आप इसमें एस की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो यू कैन सिंपली राइट इट एज टू टाइम्स ए बी, ए सी एंड बी सी. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इन दिस केस? ए इंटू बी इंटू सी. जस्ट पुट इट हियर आइदर इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड. So let us start. We can start with right hand side. So what we can write? 2 upon s. S ki value ko aap kya likhenge bache? 2 times ab, bc and ac. Next, take the LCM of this portion. When you take the LCM, it will be abc. And you can simply write it as BC, AC and AB. Now what we will do, bache? ABCA, ABCA cancelled, 2 and 2 cancelled, and your answer are this. Can we say this is equal to वॉल्यूम? पता चला बच्चे? एनी डाउट? ओके. नाउ आई एम डिस्कसिंग सम यूनिट्स विद यू. आपके माइंड में कई बार ये था कि हाउ वी कैन इंटरकन्वर्ट दीज यूनिट्स. तो उन्हीं यूनिट्स की बच्चे में कुछ वैल्यूज के साथ आऊंगा एंड देन आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. देखिए कैसे. देखिए इफ ही आस्क यू कन्वर्ट वॉल्यूम के यूनिट्स हैं बच्चे 1 cm³ इनटू mm³. तो हाउ वी विल कन्वर्ट इट? देखिए कन्वर्शन का एक बहुत इजी फ्रेम होता है. 1 cm³ मींस टू से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. ओके. नाउ यू नो दैट इन मतलब ये 1 cm ही है. 1 1 1 इन 1 cm हाउ मेनी एमएम? सर 1000. हाँ 10 mm. सॉरी 10 mm. 10 mm एंड 10 mm. सर 1000. फाइनल वी कैन से 1000 mm³. तो इफ समबडी आस्क यू 1 cm³ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 mm³. तो ये बच्चे आपने क्या रखना है? याद रखना है. एंड इफ समबडी आस्क यू 1 m³ इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? तो सेम रेफरेंस में चलिए. सर मिलीमीटर मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर 100 इनटू 100 इनटू 100. यस वी कैन सिंपली राइट इट एज इन अ सिंपल वे मीटर into meter into meter 1 1 and 1. This becomes 100 cm, 100 cm and 100 cm, and ultimately we can say 100 100 and 100.
it becomes 10 lakh power 6 centimeter cube. Sir, can we write directly as 10 lakh centimeters square? Yes, yes, you can. ठीक, अब हमारे पास एक और बहुत अच्छा यूनिट्स आता था बच्चे, जिसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते थे, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू 1 meter क्यूब इज इक्वल टू 1000 liter. याद आया? Yes sir. You taught. Somebody asked you कि how you will convert into liters. तो हम उसको ऐसे करते थे, 1 meter क्यूब इज इक्वल टू 1000 liter, और 1000 liter कैन बी रिटन एज 1 KL. बोले तो नहीं हो? KL means to say किलोलीटर, किलोलीटर्स. किसी को भी बच्चे इसमें कोई डाउट हो, एनीबडी? यस यस, चलिए लेट अस मूव ऑन. अब हम आपके कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे बच्चे, यू विल सी इन योर बुक. तो आपने फाइंड आउट किया होगा कि इसमें 8 एक्सरसाइज डायरेक्टली डेडिकेटेड टू क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, देयर सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम. अब हमारे पास एक बच्चे बहुत अच्छी इसमें एक्सरसाइज है, दैट इज 13.9. तो मैं पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करूंगा, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जांपलर. ओके, और अभी हम इसका जल्दी ही आपको टेस्ट भी दें. ओके, एंड सी दिस वन क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड. What he said, the diameter of the sphere, one sphere is given to you. Okay, this is the sphere. Now diameter is reduced by 25%. तो हमने उसका 25% डायमीटर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया या डिक्रीज कर दिया. व्हाई, व्हाट परसेंटेज डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज? और बच्चे हमने बताना है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया किस रेशियो में डिक्रीज होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल फॉर्मेशन. लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर. बच्चे अब ध्यान देना, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 2r. ओके, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, देयरफॉर इट्स डायमीटर इज 2r. नाउ व्हाट वी कैन डू, रिड्यूस दिस 2r बाय 25%. तो आपने 2r को 25% डिक्रीज कर दिया. 25% कितना होता है बच्चे, 25/100. तो वी कैन सिंपली से 1 and 4 एंड रिड्यूस होके बचे वो कितना आ गया, r/2. प्लीज देखिएगा कि इतना उसमें से कम हो चुका है. ओरिजिनल डायमीटर कितना था, 2r, उसमें से आपने r/2 रिड्यूस कर दिया, तो दैट मींस यू आर लेफ्ट विद 3r/2. यानी जो आपका नया सफियर बना उसका जो डायमीटर हो गया बच्चे वो कितना हो गया, 3r/2. नाउ टेल मी वन मोर थिंग, अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा न्यू स्फीयर का, सर 6/2. यस यस, सभी रिस्पोंड करें. आर्यन सर ये 3r हो जाएगा. रेडियस ये तो डायमीटर है, रेडियस. सॉरी सर सर अपॉन टू एक और लगा देंगे, एक अपॉन टू और लगाएंगे, तो इट्स न्यू रेडियस इज 3r/4. अब आप नोटिस करेंगे बच्चे, इफ आई चेक द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो इस फर्स्ट स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4π r.
square, r square. And if I check the surface area of this new one, dekhe, S2 is equal to 4 pi as it is. Instead of r, I can write three r by four square. To just check it, we got 4 pi 9 r square by 16. So what you can do, 4 ko 4 se cancel kijiye, so you will get 9 by 4 pi r square. Check kijiye bache, this is the surface area of the original sphere. Theek? और ये क्या हुआ बच्चे, जितना रिड्यूस कर दिया गया, ये नए वाले का आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड वन से न्यू वन का सरफेस एरिया रिड्यूस करें. रेशियो देखिए क्या हुआ था, हमने इफ यू चेक द क्वेश्चन, ही सेड बाय व्हाट परसेंट, हमने ये बताना है कितने परसेंट रिड्यूस हुआ. तो चेक इट माय पॉइंट, दिस इज द ओरिजिनल वन एंड दिस इज द रिड्यूस्ड वन. अब कितना रिड्यूस हुआ, तो व्हाट आई विल डू, ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस न्यू सरफेस एरिया, इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, चेक कर लीजिएगा. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 7 पाई आर स्क्वायर बाय दिस वन, यानी इतना रिड्यूस्ड हुआ. आपको पता है परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज में हम निकालते हैं बच्चे रिड्यूस्ड पोर्शन. रिड्यूस्ड पोर्शन कितना हुआ, 7 पाई आर स्क्वायर बाय 4 ओवर original one, which is equal to 4 pi r square multiplied by 100. तो ये हमारे पास question हुआ, और इसको solve करने का हमारे पास simple सा formation, pi r square by pi r square, and here we got 7 upon 16 multiplied by 100. तो इनको cancel कीजिए बच्चे, when you cancel them out, तो ये हो जाएगा 25 8 sir. और ये क्या हो जाएगा, 8 sir. 4. तो वी विल सिंपली राइट 175/4, और आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे, 43.75%. अच्छा, कितने बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता लग गया कि व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड अस. हाँ जी प्लीज, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ये अच्छे क्वेश्चन है. यस सर, जो आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सर इसके कैलकुलेशन समझा देंगे एक बार. हाँ, जस्ट टेक द एलसीएम. 4 is the LCM. Now multiply this 4 with this. It becomes 16 pi r square minus. Ye ho gaya 9 pi r square. To 16 minus 9, you will get 7 pi r square. So 7 pi r square. Okay. Ye bahut acha hai. Theek? Yes. Ab ek aur question dekhiye. जो आपकी बुक में है, आई थिंक बच्चे आपने सबने इस तरह की लाइट्स तो देखी होंगी. यस सर. तो माई सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट पार्ट. ठीक, और किसी किसी के फ्रंट में ऐसे डिजाइन भी बना होता है, तो यू कैन सी और यू कैन चेक इन योर बुकलेट, क्वेश्चन 13.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है. एंड व्हाट ही इज आस्किंग, द फ्रंट कंपाउंड ऑफ द वॉल ऑफ द हाउस इज डेकोरेटेड बाई वुडन स्फीयर ऑफ डायमीटर 25. एक किसी की ये वॉल थी बच्चे, ये घर की वॉल है, तो उसमें यहां पे कोई डेकोरेशन की गई है वुडन स्फेरिकल बॉल्स.
ठीक, एंड द डायमीटर ऑफ दिस बॉल स्फेरिकल वुडन बॉल इज 21 सेंटीमीटर. तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इट्स रेडियस इज 10.5. वेरी गुड. प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल स्पोर्ट एज शोन इन द फिगर. तो एक छोटी सी स्पोर्ट से उसको वहां पे क्या किया गया, लगाया गया. एट सच स्फीयर आर यूज. तो हमने ऐसे कितने लगाए हैं टोटल? एट सच स्फीयर्स आर देयर एंड आर टू बी पेंटेड विद सिल्वर. और इसको हमने किस पेंट से पेंट करना है? सिल्वर पेंट से पेंट करना है. ईच स्पोर्ट इज सिलेंडर ऑफ रेडियस. देखिए ये जो स्पोर्ट लगी हुई है इसके नीचे, जिसको मैंने अभी रेड कर दिया, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की है. ये जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट किस फॉर्म की है? सिलेंड्रिकल फॉर्म की. ये हर एक बॉक्स के नीचे लगी होगी. एंड हूज रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड हूज हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, एंड इज टू बी पेंटेड ब्लैक. चेक कीजिए, ये जो पेंट होना है ये किसके साथ पेंट होगा? ब्लैक कलर के साथ पेंट होगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट. देखिए जो सिल्वर पेंट है, इट विल कॉस्ट यू 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो ब्लैक पेंट है, इट विल कॉस्ट यू 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आई थिंक क्वेश्चन में बड़ी हाइप सी क्रिएट कर देगी, बट क्वेश्चन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बच्चे, व्हाट अबाउट द स्फीयर. देखिए द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10.5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वन स्फीयर व्हिच इज इक्वल टू 4πr². किसी को डाउट तो नहीं बचे? यहां एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, वो भी आपको नोट करनी है. ठीक, अब एक चीज नोट कीजिए, जब इस सिलेंड्रिकल पे मैं इस तरह से एक सफीर रखूंगा, तो सफीर का जो यहां पे सर्कल बनेगा वो तो पेंट नहीं ना होगा. हैव यू चेक माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? सर जो सिलेंडर के ऊपर का होल के ऊपर का है. एक चीज चेक कीजिए, आप मेरी वीडियो पे फोकस कीजिए जहां पे मेरी वीडियो आ रही है. सपोज दैट मैं अपने इस मोबाइल को पेंट करना चाहता हूं और ये मेरे पास सिलेंड्रिकल पेन है, मैंने यहां पे लगा दिया. ठीक, तो आप चेक कीजिए, जितना ये पेन उस सरफेस के साथ लगा हुआ है उतने एरिया में तो पेंट नहीं ना होगा. सर वो डिडक्ट हो जाएगा उस एरिया. यस, अब वो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला जितना भी है, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल इसमें से क्या होगा बच्चे? डिडक्ट होगा. और सर्कल का माइनस हो जाएगा. यस, तो ये होता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर कितना होता है बच्चे? स्क्वायर होता है. अब नोट कीजिए, पाई आर स्क्वायर का आर कौन सा यूज करूंगा मैं? 1.5 वाला. बस यही इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्फीयर. तो मैंने लिखा 4 22/7 into 10.5 into 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया बच्चे माइनस. अब नेक्स्ट क्या होगा? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर into 1.5 into 1.5. किसी को ये डाउट तो नहीं मैंने कैसे कर दिया? नो सर. ओके, अब क्या होने वाला बच्चे? अब हम इनको सॉल्व करेंगे. जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इट इज 22/7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन दिस क्वांटिटी. तो चेक कीजिए,
इट विल बी 138 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अगर हम इस पे फोकस करते हैं बच्चे तो इट बिकम्स 7.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट वी कैन डू, ठीक हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 1378.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे ये कितने का हुआ एरिया, एक सफीर का। नाउ सेंटीमीटर करेंगे, इनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिएगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बच्चे, अभी क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हुआ, ठीक। ये एरिया हो गया किसका सर, एक सफीर का। अब देखिए उस सफीर की कॉस्ट हमें कितनी मिल रही थी, 25 पैसा। तो मैं इसकी कॉस्ट भी साथ की साथ ही निकाल देता हूं, तो 8 × 1.173.9 20 पैसा को हम रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, 25/100 ये हो गया। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हेन वी पुट द सपोर्ट अंडर द स्फीयर, तो इस सपोर्ट पे कहां कहां पे पेंट होगा। देखिए आपके जो कवर्ड सरफेस एरिया पे, यस वेरी गुड, बस यही पॉइंट देखना था। देखिए ये जो सपोर्ट है तो इसके टू सर्फेसेस हैं ऊपर और नीचे। देखिए ये वाला जो सपोर्ट का पार्ट है जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, चेक माय पॉइंट, ये तो सफीर ने कवर कर लिया, पेंट नहीं होगा, और ये वाला नीचे दीवार के साथ कवर हो जाएगा, पेंट नहीं होगा। तो पेंट कौन सा एरिया होगा उसका, जस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो व्हाट वी कैन डू, हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चे 2πRh, और टोटल सिलेंडर कितने हैं ऐसे, 8। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22/7। इन दिस केस आप चेक कीजिए, आर की वैल्यू क्या थी, 1.5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, 7। तो ये टोटल 8 सपोर्ट्स का एरिया हो गया, एंड कॉस्ट फॉर देम इज 5 पैसा, और 5 पैसे को बच्चे आप क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, मल्टीप्लाइड बाई, हाँ यू कैन राइट इट एज 5/100 रुपीज। नाउ चेक माई पॉइंट, थोड़ी सी कैलकुलेशन बन गई है, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, दिस इज द कॉस्ट टू पेंट 8 सफीर, एंड दिस इज द कॉस्ट टू पेंट 8 सपोर्ट्स। और अब क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, बस जस्ट सिंप्लीफाई दीज फिगर्स एंड एड दैट, और आपको टोटल क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सा देखता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि हम एग्जैक्ट जाएंगे या नहीं, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दिस पोर्शन, तो दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज टोटल कैलकुलेशन, अगर हम इसमें करें तो इट विल बी रिटन एज 1/4, इट कैन बी रिटन एज 2, ठीक। तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आई थिंक 13 का ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो इट विल बी 2757.8 रुपीस। और अगर हम यहां पे देखें बच्चे इसको, तो इट बिकम्स 26.something रुपीस। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट ऑफ दैट डेकोरेटिंग सफीर विद सपोर्ट। हो गया ना अच्छा क्वेश्चन, तो उसी में हम थोड़ा सा उसको आगे क्या लेंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेशन। ओके कम ऑन टू नेक्स्ट वन, एक और बच्चे बहुत अच्छा इसने क्वेश्चन बनाया है, और मैं उसकी एक आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले
वैसे आपकी बुक में आपको दिया हुआ है, बट फिर भी चेक कर लीजिए, दिस इज वुडन बुकशेल्फ, ठीक। एंड व्हाट इज गिवन टू अस व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही सेड a wooden bookshelf has external dimension as follows. देखिए naturally है कि अगर कोई wooden box है तो you will see that आपकी book में बनाया हुआ है और shelves होते हैं, उसमें छोटे छोटे से क्या है shelves भी हैं, and its dimensions are height is equal to 110 centimeter, depth is equal to 25 and breadth is equal to 85 centimeter. ये आपको यहाँ पे क्या है provided. सर depth के आगे सर सेंटीमीटर लगा दूँ? बिल्कुल बिल्कुल सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है, because we are discussing self, तो depth आ जाती है बच्चे वहाँ पे. Otherwise हम अगर simple cube की बात करते हैं तो we will mention it as height, ठीक? Yes. तो आगे आ गया. The thickness of the plank. देखिए आपने जो प्लैंक यूज किया है, थिकनेस ऑफ दैट प्लैंक, प्लाई को कहते हैं, बिल्कुल प्लैंक मतलब आप मोटाई वाली प्लाई यूज की है तो वो क्या है 5 सेंटीमीटर है. एवरीवेयर जहां जहां पे भी बना हुआ है, एवरीवेयर द एक्सटर्नल फेसेस आर सेड टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड. देखिए ये जो उसका एक्सटर्नल फेस है वो तो पॉलिश किया जाएगा. क्या किया जाएगा बच्चे? पॉलिश किया जाएगा. एंड जो अंदर है उसको क्या किया जाएगा? पेंट किया जाएगा. अच्छा, पॉलिशिंग का जो अपने पास कॉस्ट है वो है 20 पैसा per cm² एंड जो पेंट की कॉस्ट है वो है 10 पैसा per cm². Find the total expenditure required for polishing and painting the surface of bookshelf. तो लीजिए बच्चे, how we will start it? बड़ी सिंपल सी बात हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि bookshelf का सबसे पहले हम external क्या find out करें? Surface area. Surface area. ठीक है? External सरफेस एरिया तो वो क्या होता है? आप सबको पता है बच्चे, एक्सटर्नल सरफेस प्लस एचएल. हाँ, तो बट ये इस केस में थोड़ा सा अलग दिखेगा, 2 × LB × BH + LH. सर हम एक हटा देंगे ना सर, 85 और 25 को एक में से हटा देंगे. आते 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 उस पे भी आते, ठीक. अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, व्हेन वी आर डिस्कसिंग, देखो जो आपका है तो नोट करिएगा कौन कौन सा एरिया होगा. एक तो उसका बैक पार्ट, ठीक, दो उसके क्या हैं साइड पार्ट्स. प्लीज इसको नोट कीजिएगा, बैक मतलब जो इसके पीछे आएगा, दो साइड मतलब एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, ठीक. एंड अपर यानी दिस वन प्लस लोअर, ये भी दोनों सेम है, ठीक. अब क्या आया, टू साइड्स फ्रॉम बॉर्डर, ठीक. अब देखिए दो साइड कौन कौन सी बता रहा हूं, किस किस तरह से आएंगी, ठीक. अब इनको हमने क्या करना है, फाइन. अच्छा एक चीज पहले मेरे को बताइए, व्हेन आई बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चंस, पहले तो आप मेरे को बताइए आप कैसे मूव ऑन करें. कोई और भी बताइए बच्चे, और भी कोई पार्टिसिपेट कीजिए, ज्योता, तनवीर, आयुष, गीतांजलि, प्राची,
सर कैन आई टेल हाँ हाँ यस यस सर वी कैन राइट द फॉर्मूला बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू हाइट प्लस टू इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट बिल्कुल आप अगर अपने इस बॉक्स में जाएंगे बच्चे तो अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा है उसमें फॉर्मेशन में आपके क्वेश्चंस में तो इसमें क्लियरली मेंशन है ठीक कि बॉर्डर वाले का हम अलग से कुछ करेंगे ठीक और जो हमारे पास सॉरी जो इंटरनल और एक्सटर्नल है उसका कुछ अलग से करेंगे और जो बॉर्डर बन रहा है उसका क्या करेंगे अलग से करेंगे। अच्छा एक चीज आप देख भी सकते हैं इसमें शेल्फ्स भी डली हुई हैव यू चेक इट यस सर इसमें इन बिटवीन कितनी शेल्फ्स हैं सर 3 है 5-5 सेंटीमीटर की होंगी बिल्कुल सर 2 हैं बट 5-5 सेंटीमीटर प्लैंक की बनी हुई तो एक चीज और नोट करने बच्चे जहां पे वो प्लैंक लगेगा ना तो वो इस साइड का एरिया कवर कर लेगा ठीक है तो वो भी हमने इसमें क्या करना है प्लस माइनस क्या है करना तो सबसे पहले हम इसका शुरू करते हैं बच्चे एक्सटर्नल एरिया मैं बात कर रहा हूं किसकी एक्सटर्नल एरिया की तो मैं जिन डिमेंशंस को चेक करता जाऊं वो देखते जाइए बच्चे ये जो उसका बैक पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे 110 × 85 ये हो गया बच्चे उसका बैक पोर्शन ठीक। नेक्स्ट देखिएगा जो दोनों साइड के पोर्शन है जैसे मैंने पहले कहा था ठीक इनका हमारे पास एरिया होगा 110 × 25 ठीक है बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जो बच्चे हमारे पास क्या होगा अपर एंड लोअर बेस यानी जो अपर में है और जो लोअर में है उनका एरिया क्या होगा 85 × 25 ओके प्लस अभी एरिया काउंट करते जाइएगा बच्चे क्या क्या हो रहा है ठीक। अब देखिए टू साइड्स फ्रॉम बॉर्डर विद विड्थ 5 and 4 देखिए दो साइड्स हैं बच्चे जिनकी विड्थ 5 और क्या है 4 सेंटीमीटर के है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे क्योंकि बीच में ना हमने दो फट्टे से लगाए हुए हैं तो उनकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2 110 × 5 और नेक्स्ट वाले की क्या आएगी बच्चे अब इसमें देखिएगा 4 कवर्ड है चेक कर लीजिए आपके उसमें तो अगर आप उन 4 कवर्ड्स को करेंगे तो 4 कवर्ड 75 × 5 आप ध्यान से देखिएगा हो सकता है आपको मेरे यहां करवाने से ना पता चल रहा हो बट ये उसका टोटल एक्सटर्नल एरिया हो गया जो आपको दिखाई देगा ठीक। एंड हेयर इज द कैलकुलेशन अब आपके पास रहेगी कैलकुलेशन इफ यू मल्टीप्लाई इट इट बिकम्स 9300 multiplying the next it becomes 5500 multiplying the this one it becomes 1100 ठीक नहीं 4250 1100 will be this one and next one will be 1500 ये total बचे 7 cm² है तो it will be 21700 cm² Square. ये आपके पास क्या है एरिया हुआ। अब देखिए अब हमने क्योंकि ये एक्सटर्नल एरिया है और एक्सटर्नल में कितना एक्सपेंस हो रहा सर 20 सेंटीमीटर तो वी कैन राइट इट एज 21,020 पैसा 20 पैसा मींस 20/100 जस्ट सॉल्व इट। ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है बच्चे तो एक्सटर्नल पोर्शन में आपकी इतनी मनी इन्वेस्ट होगी सर 4340 अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चे। अब हमने उसका करना है किस पोर्शन को इंटरनल पोर्शन को करना है किस पोर्शन को करना है इंटरनल इंटरनल मतलब जो आपको अंदर दिख रहा है पेंट करना सर बिल्कुल पेंट करना है तो इंटरनल पोर्शन का देखिए ये जो मैं अभी लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा देखिए इंटरनल का मतलब क्या हो जाएगा ये बचे अगर आपका पहले इसको नोटिस कीजिए ये 25 था तो इसका मतलब आपने उसमें प्लैंक यूज किया था 5 सेंटीमीटर का तो ये वाली जो डेप्थ है वो कितनी रह जाएगी
20 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 20। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बस ये भी देखने वाली बात है इस क्वेश्चन। तो वी कैन सिंपली राइट इट 20 into 90, किसी में इंक्रीज भी होगी। हाँ जी, सिक्स फेसेस हैं जो इस लेंथ को डिनोट करेंगे 75 into 20, और एक सरफेस होगा आपके पास 75। है ये सारे सरफेसेस, और इफ यू सॉल्व इट तो ये आपके पास बचे वैल्यू बन जाएगी 19,000। ये कौन सा पोर्शन है? इंटरनल, इंटरनल पोर्शन सर, इंटरनल पोर्शन। बस फिर अब आपको बताइए बच्चे, सर 10 पैसा के साथ, इसका 10 पैसा है क्योंकि हमने सिल्वर पेंट करना है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं 10 पैसा के साथ सर 1935 रुपीज। ये बच्चे पहला पोर्शन हो गया, और ये दूसरा पोर्शन, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक, चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाइए। सर 6,000, हाँ जितना भी है, चलिए कोई बात नहीं, 275 रुपीज। अब रेडी हो जाइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, इन सिलेंडर, हियर इज माय क्वेश्चन, इन सिलेंडर मैं एमसीक्यूज दे रहा हूं। If your radius is doubled, आपने radius को क्या कर दिया बच्चे, double कर दिया, and height is half, height को आपने क्या कर दिया, half कर दिया। ठीक, now what will be the new curved surface area? हाँ जी, ये original का half होगा, double होगा, सेम रहेगा या फोर टाइम, बोलना नहीं आंसर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। स्टार्ट कीजिए एंड फिल इन द पोल। ये आपके पास पोल आ गया। सर मेरे से गलती से गलत ऑप्शन पे क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, ये आपका क्या था बच्चे, सिलेंडर, सिलेंडर था, एंड सपोज दैट उसका रेडियस क्या है, आर है, और उसकी हाइट क्या है, एच। ठीक, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो भी हमने लिखा सर, नॉर्मल टू पाई आर एच। अब आपने क्या किया, रेडियस आपने डबल कर दिया, यानी जो नए वाला हो गया उसका रेडियस हो गया 2R। हाइट को आपने, सर डायमीटर ही हो गया 2R। हाँ 2R डायमीटर ही हो गया, और हाइट को आपने क्या कर दिया, हाफ, मींस टू से h/2। नाउ फाइंड आउट द न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया, 2π इंस्टेड ऑफ r आप क्या लिखेंगे, 2R, इंस्टेड ऑफ h यू कैन राइट इट एज h/2। नाउ व्हाट वी कैन से, 2 एंड 2 कैंसल, तो योर न्यू एरिया विल बी 2π। सेम, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे, वो आंसर क्या आएगा, इट विल रिमेन सेम। इसमें उधर से डबल हो गया, उधर से आधा कर दिया, तो सर सेम ही होगा? नहीं, ऐसा सभी जगह नहीं होता बच्चे, तो बट इन दिस केस इट विल बी सेम। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अब आप सबसे पूछ रहा हूं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद रेडियस आर, यानी उसका रेडियस क्या है बच्चे, कोन का, r/2, ये रहा, दिस इज कोन, इट्स रेडियस इज r/2 एंड इट्स स्लांट हाइट इज 2l। ठीक, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, बस आपने फार्मूला बनाना है। ये लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपको दिखने लग गया होगा।
And what we can say about this question? सर सर जो कोन होता है सर उसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर पाई आर इनटू आर प्लस एल प्लस आर. तो सर यहाँ पे पाई आर 22 इनटू आर बाय 2. हाँ एक मिनट, हम पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, बट इंस्टेड ऑफ आर, बिल्कुल सही आपकी वैल्यू, हम क्या लिखेंगे? आर बाय 2. इंस्टेड ऑफ एल वी कैन राइट सर 2l. 2l एंड इंस्टेड ऑफ आर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेक द एलसीएम, इट बिकम्स 4l प्लस r, टेक दिस 2 टू आउटर साइड, तो इट बिकम्स पाई आर बाई 4, 4L plus R. ओके, या आप इसको इंटीरियर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये फिर भी आपके पास आंसर में आ जाए. एक्चुअली ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं बच्चे रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ डिमेंशंस. ओके अच्छा yes. एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं and I think आप इसको सॉल्व कर देंगे. The length of the diagonal of a cube is 6 and root 3. ये diagonal की length है बच्चे cube की. And the length of the edges, cube की बता रहा हूं बच्चे, cube. ठीक. And the length of the edge of the cube is 3 centimeter. Just tell me, it is true or false? कि ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है या फॉल्स? मैसेज मैसेज One true, one false. चलिए, you know that ना? What is the length of the diagonal is length square plus breadth square plus sir height square. तो we can simply write it as under root 3a. ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes sir. Yes sir. तो अब देखिए. इसका मतलब ये डायगोनल की लेंथ है और आपके अकॉर्डिंग डायगोनल की लेंथ ये होनी चाहिए, तो वी विल कंपेयर देम. अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चे? 6, यानी लेंथ ऑफ द एज क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए. बट व्हाट इज गिवन टू अस? 3 सेंटीमीटर. So we can simply say this statement is false. Okay. तो ये हमारे पास हमारे कुछ questions थे this kind.